नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल इंग में। दोस्तों, इस समय आज वीडियो की शुरुआत में कर रही हूँ स्ट्रॉ फ्लावर के साथ। ये देखिए, ये पेपर फ्लावर है। तो आज का जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो कल एक शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको दिखाया था कि मेरे प्लांट्स की हालत क्या हो गई थी तेज धूप के कारण। ये सब एकदम झुलस गए थे। तो कल वाला जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये मैंने दिखाया था, ये सारे जो गुलाब हैं ये एकदम, ये देखिए, ये केवल सन बर्न के कारण हो गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर था वो कल था 33 डिग्री था। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे हो गए थे। और कुछ था, कुछ मैंने पानी भी नहीं थोड़ा सा दिया था, तो पानी की वजह से तो नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि सूरज की तेज किरणों की वजह से ये इस तरीके से हो गया था। तो आज मैंने कुछ इंतज़ाम किए हैं, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने ये सारे गमलों को उठा करके, आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी क्या है ना, इन सब गमलों को, बहुत सारे ये सब गुलाब हैं, ये सब हैं, इनको उठा कर इधर मैंने रखा है। अब आपको मैं दिखाती हूँ क्या किया है मैंने। अभी कोई चीज़ सेट नहीं की है, सब केवल अभी ये देख रहे हैं, ये सब स्टैंड स्टैंड अभी सब यहाँ ला के रख दिया है और रखा है ये ग्रीन नेट के नीचे। ठीक है, ग्रीन नेट लगाई हुई है। और ये जो अभी कोई चीज़ सेट नहीं है, सब देखिए, गमला कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई चीज़ कहीं हुई है। तो सारे मेरे बहुत सारे गुलाब इधर रखे थे, अभी तो बहुत से बचे हुए हैं। तो ये सब काम जो है शाम को ही जितना हो पाया उतना मैंने किया। और बाकी सारी सेटिंग, किसको किधर रखना है, कौन कौन से गमलों को बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे रखना है, ये सब मैं धीरे धीरे करूँगी। ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन ये जो गुलाब है ना, इनकी केयर हमें थोड़ा सा जल्दी करनी होती है। ये नहीं तो फिर ख़राब होने लगता है प्लांट। इंग्लिश रोज़ है, ये सारे इंग्लिश रोज़ हैं, ये इधर है, ये इधर है, बहुत सारे हैं। तो जिनको जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको मैं पहले, अभी इधर मैंने शिफ्ट कर दिया है, अभी थोड़ा सा कुछ और भी करूँगी। बाकी जैसे अब देखिए, ये इधर ही रखा हुआ है, ये सनफ्लावर है, इसको, ये तो सन में ही रहने का प्लांट है, या फिर बोगनवेलिया हो गया, उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब जैसे ये देखिए, ये डॉग फ्लावर है, अब ये तेज़ धूप में ये सब ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको मैंने अभी इधर रख दिया है। और अब आपको मैं बताती हूँ कि देखिए, मैं अब ये मेरे पास जो ग्रीन नट थी ना, ये बहुत छोटी थी, मुझे इस बार नई ग्रीन नट ख़रीदनी थी। तो वही है कि लॉकडाउन की वजह से ना हम कोई चीज़ मंगा नहीं सकते हैं, ना मैं बाज़ार से मंगा सकती हूँ, ना तो ऑनलाइन हम मंगा सकते हैं। तो ये जो ग्रीन नट है ना, मुझे एक्चुअली मार्केट से ही ख़रीदनी थी। ये वाली बड़ी कॉस्टली मिली थी मुझे, ऑनलाइन पहले मैंने मंगवाई थी तो ये बहुत कॉस्टली थी। तो अब मैंने ये फिर क्या किया, ये देखिए, ये कुछ किया इंतज़ाम। चादर जो होती है ना पुरानी, ये डबल बेड की है इधर, इसको कुछ इस तरीके से मैंने, ये देखिए ऐसे किया हुआ है, और अपने प्लांट्स को ना इसी के नीचे रख दिया। तो अभी जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये जैसे जो धूप आ रही है ये मॉर्निंग वाली है, इसीलिए मैंने अभी सुबह सुबह वीडियो बना के आपको दिखा दिया कि जो भी हमारे ये प्लांट्स होते हैं इनको मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, सुबह से लेके जो करीब 10 बजे तक की, 11 बजे तक की ये सह लेते हैं। तो इस साइड में रखा है, जैसे थोड़ी सी ये आ रही है, उसके बाद क्या है कि देखिए, ये थोड़ा सा जुगाड़ू टाइप का इंतज़ाम है, बिल्कुल इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल जैसे परफेक्ट हो, लेकिन ये है कि हमारे प्लांट जो है ना वो बचे रहेंगे। तो ये मैंने किया है, क्योंकि कोई चीज़ भी ऐसी ग्रिल नहीं थी जिससे कि मैं वो कर सकती, इसको मतलब ग्रिल में फंसा सकती किसी तरीके से। तो ये देखिए, ऐसे करके एक डोरी लगाई है और डोरी में चादर को, पुरानी चादरों को बांध दिया। तो क्या होगा ना कि ऊपर से, जैसे कि ऊपर से धूप नहीं लगेगी, दिन भर वाली नहीं लगेगी। तो मेरे प्लांट जो है ना, एक तरह से समझिए कि उनको ऊपर से छत मिल जाएगी, ऐसे ये कवर हो जाएगा ऊपर से। और बाकी धूप जो है इनको ज़्यादा चाहिए भी नहीं, इनको मॉर्निंग वाली चाहिए, वो इधर से आ ही रही है, वो ऐसे मिल जाएगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो आप डोरी देख रहे हैं इसमें और भी चादर इसी तरीके से और भी बांधूँगी। मैंने ये शाम को ही किया, तो इतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं हुआ। मैंने आपको सुबह सुबह सिर्फ दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया कि जिससे भैया बचा लीजिए अपने प्लांट को, नहीं तो बहुत तेज़ अब धूप होने लगी है तो आपके प्लांट्स जो है ना, एक बार जलना शुरू होंगे तो फिर उसको नहीं आप संभाल पाएंगे। तो इसलिए
अभी जैसे ग्रीननेट नहीं खरीद सकते हैं तो इसी तरीके से एक चादर से भी इंतज़ाम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, ग्रीननेट जो होती है, अगर मैं उसको ख़रीदती भी ना तो भी मैं उसको 70% वाली ख़रीदती। तो ये हमारे जो चादरें होती हैं इस तरीके की, कॉटन होती है ना, कोई भी हो, बेकार हो, उससे हमारा काम चल सकता है। तो बस ऐसे ही सब, देखिए सब अभी तो इस समय कोई चीज़ सही से, सब इधर उधर पड़ी हुई है, मैं इनको बाद में सब सही करूँगी। और जैसे ये देख रहे हैं ना, इसको जो है गुलदाउदी को, क्राइसेंथेमम को, इसको इसको तो बिल्कुल ही शेड में रख दूँगी। ये देखिए इतने सारे गुलदाउदी हैं, कुछ मैं रख चुकी हूँ और बाकी के भी रख दूँगी। यहाँ तो बिल्कुल कोई धूप नहीं है, इस जगह पर रखूँगी। बाकी ये सारे प्लांट्स हैं, ये तो जहाँ पे मैंने अभी तक तो गुलाब रखा था, इनको मैं वहाँ करूँगी। तो ये सब सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जब पूरा सब सेट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किधर किधर क्या क्या प्लांट रखे हैं। तो जो है आज के वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही पर्पस था कि अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं हो तो आप पुरानी चादरों से भी अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। और बाकी इस तरीके के जो प्लांट्स हैं इनको तो बिल्कुल ही शेड में रख दीजिए। ये देखिए अजेलिया है जैसे, है ना, या फिर ये क्रोटन है या कोलियस है, ये सब जो है। और हाँ दोस्तों, चलते चलते मैं एक चीज़ और बता दूँ, कल वीडियो में मैंने गलती से जैसे ये इसको जो है टर्टल वाइन बोल दिया था, ये टर्टल वाइन नहीं, स्वीट पोटैटो वाइन है। ये देखिए मैंने उसी से ही लगाया था, पानी में ही ग्रो करके लगाया था, इसको तैयार किया है। ये स्वीट पोटैटो वाइन है, टर्टल वाइन ये है, मुझे एक्चुअल में बोलना इसको था। ये देखिए ये है टर्टल वाइन, ये है, तो ये टर्टल वाइन है, मैंने कल गलत बोल दिया तो मुझे लगा कि क्लियर कर दूं। और ये स्वीट पोटैटो वाइन है, तो आप जो है मैं लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए दोस्तों मैं चलती हूँ और मिलती हूँ फिर और अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू।